मेरा मानना है कि हम सब चिकित्सक परिवार और पैरामेडिकल स्टाफ जनता की सेवा के लिए बने हैं और हम इन लोगों से काम लेंगे, काउंसलिंग करेंगे। मैं जाता हूं, आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में सामान्यतया अधिकारी या मंत्री पहुंचते हैं तो उनसे बात गुस्से में करते हैं, डांटते हैं। हम डांटते नहीं हैं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। प्रदेश की जनता ने मुझे काम दिया है और प्रदेश की जनता की तरफ से मैं प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करता हूं, कृपया समय से बैठे। और इसके साथ ही साथ मैं पवन जी बता दूं, आप ये सोचो कि हमारे हॉस्पिटल्स में कितना लोड है। हम 9000 ओपीडी केजीएमयू की हमारी है, 54 ओटी एट ए टाइम काम करती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। हमारी ओपीडी 5000 की लोहिया में है, एक अस्पताल की बता रहा हूँ आपको। 5000 की ओटी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। आउटडोर पेशेंट्स हमारे पास 5000 रोज आते हैं सीतापुर जैसे छोटे जिले में। तो इन सभी मरीजों का हम निःशुल्क इलाज करते हैं। आप सोचो कि सरकार किस कदर उनके लिए काम कर रही है। हाँ, वर्कलोड अधिक है, हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने नए पद निकाले हैं, 2500 से अधिक पद हमने अभी लोक सेवा आयोग से मांगे हैं, अध्याचन चला गया है। नर्सेज के हमने अभी 4000 पद विज्ञापित किए थे तो हमें 3000 मिले, 1000 पास नहीं हुए, दोबारा हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। और आउटसोर्सिंग से वॉक इन इंटरव्यू करके लगातार हम चिकित्सकों को भर्ती कर रहे हैं। और जो हमारे चिकित्सक रिटायर होते हैं उनको हम पुनः सेवा में लेते हैं। किसी भी चिकित्सक को रिटायर होकर के हम घर बैठने नहीं दे रहे। अगर उनका शारीरिक क्षमता है और वो काम करने को तैयार हैं, हम उन्हें तत्काल सेवा में लेने के लिए तैयार रहते हैं, काम करते हैं उसके साथ। एक बेहतर प्लान जो पता चला है कि आपका विभाग करने जा रहा है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह टाटा को या किसी ऐसे उच्च संस्थान को देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो मुंबई अलग अलग जाते हैं, वो क्या प्लानिंग है? अभी दरअसल कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, उसका उद्घाटन हुआ है। वहाँ पर उच्च कोटि का कैंसर का इलाज मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, पद विज्ञापित हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम वहाँ पर देश का सर्वोच्च हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। कारण क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल्स देश में हैं, किसी के पास 100 बेड है, 200 बेड है, 300 बेड है, 500 से ऊपर बेड नहीं। अभी एग्जिस्टिंग इस समय हमारे पास 700 से ऊपर बेड्स वहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें अभी 150 काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम चिकित्सकों की भर्ती के साथ बेड बढ़ाते जाए, लेकिन हमारे पास कार्य क्षमता 700 से ऊपर बेड्स की है। इसको बढ़ा करके 1250 किए जाने की क्षमता वहाँ पर है। हमारा एक्सटेंशन प्लान भी है। ये देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का है, जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर काम शुरू हो गया है। सर, पॉलिटिकल सवाल अगर आपसे पूछूं मैं, क्योंकि डिप्टी सीएम है, 25-25 जनपद जो है मुख्यमंत्री जी के पास है, आपके पास है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है, आप लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जमा भी अभी जल्द ही उसको फुलफिल करना है, सेंटर इस पर नज़र बनाए हुए हैं, 2024 के लिए किस तरीके की प्लानिंग है ये, और ख़ास तौर से जो विकास के अलावा जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको? उत्तर प्रदेश का जो हाल है वर्तमान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम नंबर एक पर हैं पूरे देश के पैमाने पर। सिक्योरिटी के मामले में जो जन भावनाएं हैं, जो देश के लोगों की भावनाएं हैं, उसके अनुसार आप आकलन करेंगे कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब यहाँ अपराधी डर रहे हैं और जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, आम जनता है, इवन देन हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो प्रसन्नता के साथ रात में भी घर से निकल करके आइसक्रीम सड़क पर खा सकती हैं, बच्चों के साथ पार्क में जा सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भारतीय